फर्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब बाय 3 इज इंक्रीजिंग. वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब बाय 3 इज इंक्रीजिंग. एक्स की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए ये वैल्यूज आपकी इंक्रीज करेंगे. गुड सिमरन, विल यू ट्राई दिस? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जब आपका आ जाता है, सबसे पहला काम आपने क्या करना है? डेरिवेटिव लेना है. तो डेरिवेटिव क्या आएगा इसका? ठीक है, अब 4x² कॉमन ले लें, क्या रह गया? एक्स माइनस वन. अब इसको हमने चेक करना है दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग. इंक्रीजिंग के लिए क्या कंडीशन होगी? एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं है तो इक्वल टू आप साथ में लगा लेंगे. व्हेन यू विल पुट दिस इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अच्छा, आपका अभी वो है एमसीक्यू है तो सीधा यहीं पे मैंने ले लिया ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, 4 हमेशा पॉजिटिव है. इट मींस इसका जो साइन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्स माइनस वन पे. यानी कि एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. सो हमारा यहाँ पे जो आंसर ऑप्शंस हमें गिवन थी दैट वर माइनस इनफिनिटी टू 1, 1 टू इनफिनिटी, 1 क्लोज इंटरवल टू इनफिनिटी एंड माइनस इनफिनिटी टू 0. 1 टू इनफिनिटी एक ऐसे गिवन है और एक ऐसे गिवन है, क्योंकि स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं है यहाँ पे तो आपने क्लोज इंटरवल लेना है. 1 इज ऑल्सो इंक्लूडेड. क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन, इंटरवल इन विच एक्स टू एक्स स्क्वायर इन टू ई टू द पावर माइनस एक्स इज इंक्रीजिंग. चलिए डेरिवेटिव बताइए क्या आएगा. इज इट करेक्ट? यस, ई टू द पावर माइनस एक्स है क्योंकि, तो नेगेटिव साइन जो है आपका आगे आएगा. सो दिस इज माइनस टू एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स. अब आपको फंक्शन बताना है इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग. अच्छा, अब ये डेरिवेटिव पहले बताओ मुझे, आपने सही बताया? यस, क्योंकि एक्स स्क्वायर और ई टू द पावर माइनस एक्स दोनों एक्स वाली टर्म्स कंटेन कर रहे हैं तो यू इंटू वी लगेगा. अब आपने u into derivative of v कर दिया. नेक्स्ट, माइनस q. हाँ, तो हमने क्या किया पहले? x आपने ना यहाँ इकट्ठा ही लगा दिया. पहले x square as it is लिया, इसका डेरिवेटिव ये आ गया. अब बताओ, अब e to the power minus x as it is, u into v लगा रहे हैं. u as it is लिया मैंने पहले, x square as it is ले लिया, e to the power minus x का derivative minus e to the power minus x. उसके बाद plus e to the power minus x as it is लिया, derivative of x square is 2x. अब e to the power minus x common ले लो यहाँ से, तो क्या रह गया हमारे पास? minus x square, x भी साथ में आप common ले सकते हो. हमारे पास यहाँ रह गया minus x plus 2. अब फंक्शन क्या है? फंक्शन इज इंक्रीजिंग. अच्छा, एक चीज और, जब हम इनको नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं तो आपको मैंने बताया हुआ है दैट शुड बी इन द फॉर्म एक्स माइनस समथिंग. तो यहाँ पे एक्स का नेगेटिव साइन है, ये माइनस आप बाहर ले लेंगे. स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसको लिख लिया. नाउ वी आर टू चेक फॉर विच इंटरवल द फंक्शन इज इंक्रीजिंग. So this is increasing for, अब ये मैंने ठीक लिया, yes or no? हाँ जी, okay, ये ले लिया. Is it correct? सिर्फ increasing लिखा है.
लेना है, यस और नो? चलो ले लिया, अब आगे बताइए। हाँ क्या आएगा? e टू द पावर माइनस x विल नेवर बी इक्वल टू जीरो, तो क्या क्या जीरो हो गया, इधर x विल बी जीरो और x माइनस टू विल बी जीरो। x जीरो और x कितना आ गया, टू, दो वैल्यूज आ गई x की, क्रिटिकल पॉइंट आ गया जीरो एंड टू। ये बनता है, इसके अकॉर्डिंगली अगर मैं ये साइन ना देखूं, यहाँ पे नेगेटिव साइन भी है ये भी ध्यान रखते हैं, अगर मैं ये ना देखूं तो इंक्रीजिंग मेरा इन इंटरवल्स में बन रहा है, बट क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो क्या होगा, साइन जो नेगेटिव वाला है वहां पे फंक्शन आपका इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये माइनस और माइनस विल गिव यू द पॉजिटिव वैल्यू। गॉट इट? क्लियर? या फिर आप ऐसे कर सकते हो, अगर ऐसे कंफ्यूजन है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो इसको चेंज कर दो, इसको पॉजिटिव बना के, तो आपका ये वाला जो इंटरवल है दैट विल गिव यू द फंक्शन जहां पे आपका फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, दैट विल गिव यू द इंटरवल वेयर योर फंक्शन इज इंक्रीजिंग, तो जीरो टू टू। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, e टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 2x प्लस 1, f ऑफ x इज इक्वल टू e टू द पावर 2x माइनस 1 अभी आपको उसने पूछा कि दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, अ डिक्रीजिंग फंक्शन, एन इवन फंक्शन और नन ऑफ दीज। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन ई टू द पावर 2x प्लस 1, इज इट एन इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, इवन फंक्शन और नन ऑफ दीज? डेरिवेटिव निकाल लो क्या आएगा, कौन सा मेथड लगाओगे डेरिवेटिव के लिए, u बाई v, डेरिवेटिव बताओ क्या आएगा। हाँ जी कर दिया, v as it is आ गया, then derivative of this will be, क्या आएगा इसका derivative, e to the power 2x into derivative of 2x that is 2, then minus, ये step clear है, u as it is, okay। चलो अब इसको सिंप्लीफाई करके बताओ क्या आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, अब यहां बताना अगर मैंने कोई गलती की है। चेक इट केयरफुली, हाँ जी क्या कह रहे हो, हाँ बिल्कुल ले सकते हो, आप ले सकते हो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ जी बेटे ये माइनस है ना, माइनस इनटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4e to the power 2x upon e to the power 2x plus 1 whole square. Denominator being a square is always positive. वैसे भी e to the power था और plus हो रहा था तो हमेशा positive रहेगा. Numerator check करो, यानी कि जो अब function है that will be increasing or decreasing depending on the numerator. तो numerator check करो, is it always positive or negative? e to the power है तो that will always be positive. This is always positive means function is increasing. Now the next one. The function f of x is equal to log x minus 2x. ये कर दूँ इरेज? This is an increasing function if
डेरिवेटिव बताओ, लॉग का डेरिवेटिव 1/x, फर्दर डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब 1 आता है उसका डेरिवेटिव, तो एज इट इज डायरेक्टली ले लिया। यहाँ पे u बाय v, डेरिवेटिव ऑफ 2x इज 2 माइनस 2x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ 2 प्लस x इज 1, सो ये आ गया हमारे पास 1 अपॉन x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस x होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये आपका कैंसिल आउट हो गया, 2x into 2 plus x whole square आपका LCM आ गया, because both of these are co-primes. So here we are having 2 plus x whole square minus 4x. ये ब्रैकेट खोल लोगे आप, 4 plus x square plus 4x minus 4x upon x into 2 plus x whole square. ये कैंसिल आउट हो गया, we are left with x square plus 4 upon x into x plus 2 या 2 plus x whole square, that is one and the same thing. अब number line पे plot करने के लिए आपको plus 1 में बताया गया होगा कि यहाँ हम क्या करते हैं, square वाली term बना लेते हैं, यानी कि x से divide and multiply करते हैं, ठीक है, clear? अब ये चीज being the sum of two positive quantities will always be positive. This again being a square is always positive. This again being square is always positive. So sign किस पे depend कर रहा है f dash x का, x पे. For the function to be increasing, what the value of x should be? Function increasing के लिए x should be greater than zero, greater than equal to zero. अच्छा, कैन दिस बी इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो हो सकता है, फंक्शन डिफाइंड होगा आपका एक्स इक्वल टू जीरो पे, विल द फंक्शन बी डिफाइंड, लॉग जीरो डिफाइंड होता है, लॉग एक्स का डोमेन क्या होता है, जीरो इंक्लूडेड होता है या नहीं, नहीं होता, तो एक्स क्या आएगा यहाँ पे, ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, अदरवाइज हम यहाँ पे कहेंगे कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, बट आपको फंक्शन को भी चेक करना पड़ेगा कि वहां वो उसके जो भी आपको यहाँ टर्म्स गिवन है उनको सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा दैट एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, और जो इंटरवल्स हमें गिवन है अकॉर्डिंग टू दैट एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू इंफिनिटी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, if the function f of x is equal to two x square minus kx plus 5, this function, बेटे मैंने यहां पे x से divide and multiply किया, कर सकते हो, मैं एक्चुअली इस वे में करवाती हूँ कि डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव बना के ना, फिर न्यूमिरेटर से बच्चों को कैलकुलेट करना इजी हो जाता है, नहीं भी करोगे देन आल्सो वो आपका एक्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है, अब यहाँ से और इजी हो गया आपको, क्योंकि एक्स डिनोमिनेटर में है तो जीरो अगर होगा तो वो नॉट डिफाइंड होगा, तो दैट विल बी जीरो टू इंफिनिटी, ठीक है, हाँ एक ही बात होगी, ठीक है, तभी हमने ग्रेटर देन जीरो लिया। If the function f of x is equal to 2x square minus kx plus 5 is increasing on the closed interval 1, 2, इसपे ये इंक्रीज कर रही है, then k lies in the interval, आपको k का इंटरवल बताना है, इंक्रीजिंग है, क्या आएगा डेरिवेटिव, 4x माइनस k, फंक्शन इज इंक्रीजिंग मींस ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब नेक्स्ट स्टेप, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि k इज लेस देन और इक्वल टू
4x। चलिए अब क्या आएगा यहाँ पे, अब मुझे k की वैल्यू बतानी है, k के अकॉर्डिंगली इंटरवल बताना है। फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 1 एंड 2। हाँ जी, नो no. यहाँ पे वो क्या कह रहा है, k इज लेस देन इक्वल टू 4x, k जो है वो 4x से लेस होगा। अब ये x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में लाई कर रही है, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ x क्या है, 1, तो यहाँ पे k शुड बी लेस देन और इक्वल टू 4, यानी कि माइनस इंफिनिटी टू 4। 2 क्यों नहीं लिया यहाँ, क्योंकि वो आपको देखना है कि अगर आप लेके चलते हो उसके अकॉर्डिंगली, तो यहाँ पे के जो है, अगर आप 8 लेते हो, 4 लेते हो, यहाँ पे भी लेस आ रहा है और यहाँ पे भी लेस आ रहा है, तो जो आपका ये वाला रीजन बन रहा है वो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमने के लेस देन 4 वाला लेके चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स इंक्रीजेस इन द इंटरवल। लॉग एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स इंक्रीजेस इन द इंटरवल। क्या करें, क्या आएगा डेरिवेटिव, पूरा सिंप्लीफाई करके बताओ। लॉग एक्स का आ गया 1/x, टैन इनवर्स एक्स का 1/1 + x2, एलसीएम लो, सिंप्लीफाई करके बताओ क्या आएगा। एलसीएम क्या है, ओके, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, देन हेयर यू विल बी हैविंग 1 + x2, हेयर यू विल बी हैविंग -x। अब अगर इसको मैं लेके चलूं, उसने मुझे क्या पूछा था, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग किस हिसाब से लेके चलोगे, हाँ ठीक है, माइनस ए, इसके बेसिस में आप बता सकते हो कि फंक्शन कहाँ इंक्रीज करेगा। ओके ओके, और 0 to, हाँ जी, 0 to infinity is correct. Got it? क्यों? हाँ जी, यहां अगर x 0 हो जाता है, वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा आपका, तो इट शुड बी फ्रॉम 0 to infinity, ग्रेटर देन 0, यस, इक्वल टू भी नहीं आएगा। देन अच्छा, डज दिस एग्जिस्ट फॉर नेगेटिव वैल्यूज, एक्स 0 पे नहीं हो रहा, तो एक्स नेगेटिव के लिए माइनस इंफिनिटी टू 0 भी तो हो सकता है, हाउ टू चेक दैट। यहां अगर एक्स नेगेटिव हो जाता है तब तो फंक्शन डिफाइंड है आपका, हाँ जी, मे बी समहाउ वैल्यू ऐसी आ रही हो, ये है, तो फिर क्या होगा, ग्रेटर देन 0, ठीक है, क्योंकि इसका भी डोमेन आपको चेक करना है, तो 0 to infinity। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x³ into x - 2 whole square।
एक्स क्यूब इंटू एक्स माइनस टू होल स्क्वायर. फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इंक्रीजेस. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ वाई या फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स द फंक्शन इंक्रीजेस. u इंटू वी लगा लोगे इसको सिंप्लीफाई कर लोगे. इंक्रीजेस के लिए क्या करोगे इसका डेरिवेटिव लेके इक्वल टू जीरो पुट करोगे. क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे देन नंबर लाइन पे उनको चेक कर लेना कि कहाँ पे जो पॉजिटिव वाली वैल्यूज आ रही हैं दैट विल गिव यू कि किस इंटरवल में आपका जो फंक्शन है वो इंक्रीज कर रहा है. सो अगर नहीं हुआ तो वी विल डिस्कस इट टुमारो. सो एज द बेल हैज गॉन सो आई एम एंडिंग द मीटिंग.